मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करप्शन वाल कहा है केजरीवाल को। जी हां, ईमानदारी की कस्में खाने वाले केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। बता दें, शिवराज सिंह चौहान उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस बार 69% पुरुष और 64% महिलाओं ने मतदान किया है। प्रदेश की सभी सीटों में सबसे ज्यादा मतदान छिंदवाड़ा में 79% हुआ है, वहीं रीवा में सबसे कम 49% मतदान हुआ है। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वादों को अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, जनता समझदार हो चुकी है। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में गर्मी, उमस और बारिश का दौर जारी है। मौसम के सभी रंग दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को भी कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। दोपहर के बाद कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी तो कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। चलते हमारी अगली खबर की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी मामले में नजर रखने वाली कमेटी द्वारा हाई कोर्ट में 3 महीने की रिपोर्ट पेश की गई है। कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्पताल में नियुक्तियां सहित अन्य सिफारिशों का पालन नहीं किया गया है। हाई कोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने याचिका की अगली सुनवाई 3 जुलाई तक निर्धारित कर दी है।